गैर महतारीवादी लोगन हैं वो मन घलो सक्रिय हैं। जब भी कोनो जगह हमन छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के स्थापना के तैयारी करथन तो वहाँ के तथा कथित लोगन मन ये में अड़ंगा डाले के कोशिश करते, प्रयास करते और लगातार प्रशासन के मदद लेके कोनो भी तरह ले उमे व्यवधान पैदा करे के जौन है कुछ से प्रयास करते। हर जगह के ही और हर जगह हर परिस्थिति में जो उन्हें शासन प्रशासन जो उन्हें हम अल्लाह हमर महतारी मूर्ति स्थापना छत्तीसगढ़ महतारी के वंदन करे में रोके जाते। आप समझ सकते हो ये प्रदेश और ये प्रदेश में ये प्रदेश के मातृभूमि के मूर्ति स्थापना के कौन तरह ले विरोध में खड़ा करे के जो उन्हें प्रशासन के जो काम है वो आगू आते। लगभग लगभग हर जगह में जब भी छत्तीसगढ़ मूर्ति स्थापना के क्रम चालू होते हमर सेनानी मन ये बूता में आगू बढ़ते तो सत्ता में जो उन भी सरकार रही थे वो हर बार ये कोशिश करते ये प्रयास करते कि छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति की स्थापना जन हो सके, छत्तीसगढ़िया मन के अस्मिता के जागरण जन हो सके, छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान के सुरुज जन उगे सके, ये प्रयास हमेशा जारी रहे है। खैरागढ़ में घलो ऐसने कुछ परिस्थिति बने, ये शासन प्रशासन कलेक्टर एसडीएम ये मन का बताना चाहते वो काकर इशारा में बताना चाहते हम अनिला पूरा समझत हन। और आप सबो छत्तीसगढ़िया मन ला घलो मैं बताना चाहूं हमर छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति अगर कोनो जगह स्थापित हुआ थे तो ये प्रशासन जौन तरह ले अड़ंगा डालते जौन तरह ले कोशिश करते कि मैं असफलता हाथ लगाए मल्ला। तो मैं आप सब ला बता देना चाहता हूं ये शासन प्रशासन में बैठे मनखे सत्ता में काबिज लोगन हम अल्लाह हमर छत्तीसगढ़ महतारी के पौरी परे ले ओकर वंदन करे ले ओकर स्तुति करे ले आप कोनो भी शर्त मन नहीं रोक सको। मैं बोलना चाहता हूं मोर सेनानी भाई मल्ला जिला जिला के ब्लॉक ब्लॉक के गांव गांव के सेनानी भाई मल्ला बोलना चाहता हूं आप सब सुनता बंधा के जगह तय करके निश्चित करके छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति ला स्थापित करो। और ये में कोनो तरह के अड़ंगा शासन प्रशासन ले आवत है तो आप सोच लो देख लो जान लो कि सत्ता में काबिज पार्टी है वो खर नेता मन ये अड़ंगा के पीछे खड़े हैं। वो मन सीधा आगू आके मना नहीं कर सके ता पाछू शासन प्रशासन के ताकत के जो उन्हें वो मन उपयोग करते लेकिन डरे के कोनो जरूरत नहीं है। पूरा हिम्मत के साथ पूरा ताकत के साथ छत्तीसगढ़ महतारी ला स्थापित करबो। और अभी तो शुरुआत करे हन आगे आप देखत रहो छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के सूरजत का जोरदार चमकने वाला है कि जौन पर प्रांत के लोगन यहाँ अपन व्यापार चलावा थे धंधा चलावा थे और हमर संस्कृति हमर सभ्यता हमर भाखा के संग खिलवाड़ करे के कोशिश करत है ओला रद्दा दिखाए के काम करवो। मैं गाड़ा गाड़ा बधाई जोहार प्रेषित करना चाहता हूं मोर सबो सेनानी भाई मल्ला बहिनी मल्ला जेमन पूरा ताकत के संग छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति स्थापना के बूता करते।
और निश्चित ही मैं ये शासन प्रशासन लगलो बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना कोनो नान मून संगठन नो है जेला आप डरवा दो भगा दो। आज छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना के सेनानी मन अपन आप में एक एक सौ के बरोबर हवे। आप कोशिश कर लो और देख लो कि का आप सफल हो पाता हो। आज तक तो सफल नहीं हो पाए हो और निश्चित ही छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना के सेनानी मल्ला तोड़े के ओकर आत्मबल्ला जो उन्हें कमजोर करे के कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला है। कावर के छत्तीसगढ़ महतारी के सौहत आशीष छत्तीसगढ़ यह क्रांति सेना के सेनानी मन कर हवे। और हम तो हमर जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ा थन। मैं पूछना चाहूं विधानसभा के चौरा में बैठे मोर छत्तीसगढ़ के सबो जनप्रतिनिधि मल्ला का ये सबले बड़े पंचायत में बैठ के हसदेव के रखवारी के बात करे हो का छत्तीसगढ़ यहाँ मन के स्वासा के चिंता करे हो नहीं करे हो काबर नहीं करे हो। अवाम छत्तीसगढ़ यहाँ मल्ला घलो जगाना चाहूं बताना चाहूं कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन तुहर जल जंगल जमीन खनिज मानव संसाधन के भुर्री बारना चाहते। देख रहे से ती आनी बानी के योजना आपके हाथ गोड़ो मानसिक टूटन बर करते। लेकिन आप ला अपन अधिकार बर आवाज झन उठा सके ये कर पूरा भरपूर कोशिश करे जाते। ये अजट बजट के बात ला छोड़ के कहूं हमन हमर जल जंगल जमीन हमर खनिज के सरेखा करे के शुरुआत करें तो निश्चित ही हमन आगू बढ़बो। हमर प्रदेश आगू बढ़ी और ये प्रदेश के संगे संग हमर नोनी बाबू मन आगू बढ़ी। आखिर ये सरकार मन हमला का देना चाहते और का ये सरकार मन के देल ही हमला कोई भीख मिल ही। ये प्रदेश हमारे ये प्रदेश के संसाधन कतेक हमर लोग लईका मन के काम आवे कतेक हमर प्रदेश के नव निर्माण में काम आवे एकर चिंता आपला हमला हम सबो 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़िया मल्ला करना है। और निश्चित ही एकर चिंता करैया मन जो उन्हें खड़ा हो चुके हैं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी 10 दिन के बने पार्टी ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मल्ला पानी पिया है। अब आप सबले आवाहन करत हूँ आम छत्तीसगढ़िया मल्ले कि आप सब ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन के लालच ल छोड़ के अपन माटी के अपन महतारी के अपन भुइया के सरेखा करैया जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ले जुड़ो। आप ला राजनीति करना है तो आप अपन भुइया ले कराओ आप अपन धरती ले करो राजनीति आप अपन प्रदेश ले राजनीति करो। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल मन जौन तरह ले ला राजनीतिक अखाड़ा बना के यहाँ के जल जंगल जमीन यहाँ के खनिज यहाँ के मिनरल्स ला लूटा थे ये कर जवाब मांगे के हिम्मत ये कर पार्टी के प्रतिनिधि मन करा नहीं है। वो मन तो ये मां साथ देवर तैयार बैठे है कि कब हमला दूठो हाड़ा मिल जाए और हम हमरे जल जंगल जमीन के सौदा कर दन। तो आओ आम छत्तीसगढ़िया नौजवान मल्ले महतारी बहिनी मल्ले राजनीति डहर जो उन मुंह टकटकाए देखा थे युवा साथी मल्ले मैं निवेदन करत हूँ कि माटी महतारी के सेवा बर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ले जुड़ाओ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ले जुड़ाओ। काबर के निश्चित ही जब आप पूरा ताकत के साथ पूरा झुंड के साथ
पूरा माटीवादी महतारीवादी लोगन के साथ अपन अधिकार के रक्षा पर अपन जल जंगल जमीन के रक्षा पर आगू आहो तो जीत हो ही। आज राजस्थान के विधायक मन हसदेव में आके बैठे है धरना देवर, लेकिन ये प्रदेश के एक जन ऐसे विधायक नहीं हो है जे मन एक शब्द बोल सके कि हसदेव नहीं कटना चाहिए। हम अनेकर विरोध करत हन, ऐसे बोलैया हमर जनप्रतिनिधि नहीं है। तो का हमन ये जनप्रतिनिधि मल्ला एकरे सेती बनाए हन कि ये मन सत्ता में काबिज होते साठ हमर जंगल के नाश कर दे, हमर खनिज के नाश कर दे, हमर संस्कृति परंपरा के नाश कर दे। राजी मांगी पुन्नी हमर पुरखा मन के दे नाव, हमर पुरखा के चिन्हारी आज सत्ता में बैठे पर प्रांति मन एक दरियाउ ओला कुंभ कल्प के नाम देवत है। तो का हम छत्तीसगढ़िया मन एकर विरोध नहीं कर सकन, और विरोध ही काबर पूरा स्वीकरण रही, कोई स्वीकारोक्ति कोनो छत्तीसगढ़िया के माथा ले ये नाम पर नहीं जाए। अरे बदलना है तो तुम अपन मानसिकता ला बदलाओ। ये प्रदेश विरोधी, यहाँ के भाखा, यहाँ के संस्कृति विरोधी बूता आप यहाँ के पंचायत में बैठ के करत हो, और आम हमर प्रतिनिधि मन, आम हमर विपक्ष घलो चुपचाप एला बैठ के सुना थे। तो ये परिस्थिति आगे हवे कि आप ला हमला उठ के खड़ा हो के अब खुद ही ये करबर आगू आए ले पढ़ी, लड़े ले पढ़ी। ये परिस्थिति ये सिखाए बर ये बताए बर काफी है कि आप अपने प्रदेश में चुपचाप जो जवाब भोकवा कस बैठे हो। ओखरे से ती यहाँ पर प्रांति मन के जो उन्हें सत्ता स्थापित हुआ थे, आज ये मन तुहर पुरखा के बनाए मेला मड़ईला बदल ही, और काल ये प्रदेश के नाव ला घलो बदल दही, और छत्तीसगढ़िया मन के पहचान ये मन हा डरे हुए झिझके हुए डरपोकना जो जोवा भोकवा मनखे के कर दही। तो का ये गुंडाधूर के संतान मन शहीद वीर नारायण सिंह, बाबा गुरु बालक दास, ऐसे तेजस्वी लड़ाका के संतान मन काले चुप बैठे रहन, का चिटको आवाज नहीं उठावन? कहूं सत्ता विपक्ष ऐसे सोच के बैठे है कि ये मन चुपचाप मुंह में पैरा गुंजाए कस बैठे रही, तो ऐसे होने वाला नहीं है। बहुत जल्दी ही एकर जवाब दे जाही, बहुत जल्दी ही एक बड़े आंदोलन के साथ एकर पुरजोर विरोध करे जाही। लगातार हमर देवता धामी मन के, हमर सांस्कृतिक परिचय के बदलाव के उदिम जब जब ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार आते तब करते। दरअसल वो ये बताना चाहते कि तुहर कोनो अस्तित्व नहीं है। तो का सही में हमर कोनो अस्तित्व नहीं है? आप सोचो, आप गुनाओ कि का सही में हमर कोई अस्तित्व नहीं है? ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोई अस्तित्व नहीं है? हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, ऐसे कहते हैं मन। कौन जगह ले तुमन बना दे वेला? हमर पुरखा मन सालों साल एकर बर लड़ के मर गए, देवता हो गए, और संवारेंगे तो का इसने संवार हूँ? नाम ला बदल के संवार हूँ, हमर पुरखा मन के परिचय ला तोड़ मरोड़ के संवार हूँ? तो ये हमला चिटको जो उन्हें स्वीकार नहीं है, ये कर बर छाती तान के छत्तीसगढ़िया बेटा मन खड़ा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के छाती में ये आगे बढ़ चुके हैं कि आप कहो ओकर पुरखा, ओकर संस्कृति, ओकर भाखा के बदलाव के जोखा मढ़ाए तो तू मन यहाँ ले भगाए के जोखा। ये पार्टीवादी नेता मल्ला मजा चखाए के जोखा छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन जो उन्हें मढ़ा है।